जाने नहीं देंगे, आपका बच्चा को स्कूल नहीं जाने देंगे। सरकार को आरटीआई मारी, सरकार को आरटीआई मारी गई। भारत हेल्थ सेक्टर को लीक करके दिया, पेपर दिया, लिखा वैक्सीनिंग स्वैच्छिक है, चाहो तो लो चाहो तो नहीं लो। तो जबरदस्ती क्यों दे रहा है शासन प्रशासन, सोचो सरकार करे, हेल्थ सेक्टर भारत सरकार करे, वैक्सीनिंग ठीक है, इच्छा है तो लो। अभी कहता है राशन कार्ड, राशन खत्म हो जाएगा, आपके बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं होगा, आपको बैंक में जाने नहीं दिया जाएगा, आपको ट्रेवल नहीं करने दिया जाएगा। गलत बात, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट के जो कानून है उसको आप जबरदस्ती कैसे लागू कर रहे हैं जनता के बीच में, सवाल पैदा है साथियों, सवाल पैदा है कि नहीं? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि अगर वैक्सीनिंग ठीक है तो इस समाज की जिस कौम की गिनती नहीं होती उसकी हिस्सेदारी नहीं होती, बहुत महत्वपूर्ण बात है साथियों, हिस्सेदारी नहीं होती। इसलिए साथियों कहना है ओबीसी लोगों का कि हमारी जाति आधारित गिनती किया जाए, लेकिन बड़ा दुख की बात इस देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लिख के दिया कि हम ओबीसी का जाति आधारित गिनती नहीं करेंगे। तब देश का जो 52% ओबीसी है, लोकतंत्र में 51 में शेर होता है, 52 में महाशेर होता है, तो जो महाशेर है साथियों उसने देश में संविधान को बचाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए जंग छेड़ दी है, वो 52% है, वो टकरा पाएगा लोकतंत्र में उससे। और ओबीसी के समर्थन में हम एसटी एसी और माइनॉरिटी भी है साथियों, मेरा पहला मुद्दा है। इसके विरोध में, ना काउंटिंग करने के विरोध में भारत बंद किए। अब दूसरे मुद्दा है साथियों कि ईवीएम मशीन से साथियों इस देश में वोट किया जाता है। पहली बार 2004 में ईवीएम मशीन भारत में लाया गया, उस ईवीएम मशीन से 4 में कांग्रेस सरकार चलाई और फिर साथियों 9 में कांग्रेस सरकार चलाई। जब पता चलता है इसमें कुछ गड़बड़ी होती है तो दोनों में कंप्रोमाइज हुआ, ये बीजेपी को मौका मिला 14-19। लेकिन साथियों इनकी जो पांच पार्टियां है उसका एक मकसद है आपका संविधान को खत्म करना, क्योंकि वो हमारे बाप दादाओं की पार्टी नहीं है, जो देश में 3.5% है उनकी पार्टी है, उनका एक हिडन एजेंडा है जो टीवी मीडिया में नहीं बताया जाता। तो साथियों हम लोगों का 3.5% लोग ईवीएम के पर से साथियों सरकार बना रहा है, आप वोट कहीं दे लेकिन आपका वोट कहीं भी चला जाता है, जहां जाता है वहां ले जाता है। इसलिए आज हमारी इतनी समस्या पैदा कर दी, हमसे सरकार डरती नहीं क्योंकि उसके पास ईवीएम मशीन है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 8 अक्टूबर 2013 को, ईवीएम मशीन से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होगा, कॉपी मेरे पास है, कोई चैलेंज करता है आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दी 8 अक्टूबर 2013 को, ईवीएम मशीन से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होगा, क्यों कर रहा है सरकार? ए आदमी सुन रहे सर, ए आदमी नशा में हो हमको शक है, ये क्या बोल रहा है, इसकी बात पर गौर नहीं किया जाए? बाबू हमको 25-27 तक समय मिली है, उसके अंदर में बोलने का मौका है, डिस्टर्ब मत करो, बात को सुनो और एक बार संबोधन करें। जाने नहीं देंगे, आपका बच्चा को स्कूल नहीं जाने देंगे। सरकार को आरटीआई मारी, सरकार को आरटीआई मारी गई। भारत हेल्थ सेक्टर को लीक करके दिया, पेपर दिया, लिखा वैक्सीनिंग स्वैच्छिक है, चाहो तो लो चाहो तो नहीं लो। तो जबरदस्ती क्यों दे रहा है शासन प्रशासन, सोचो सरकार करे, हेल्थ सेक्टर भारत सरकार करे, वैक्सीनिंग ठीक है, इच्छा है तो लो। अभी कहता है राशन कार्ड, राशन खत्म हो जाएगा, आपके बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं होगा, आपको बैंक में जाने नहीं दिया जाएगा, आपको ट्रेवल नहीं करने दिया जाएगा। गलत बात, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट के जो कानून है उसको आप जबरदस्ती कैसे लागू कर रहे हैं जनता के बीच में, सवाल पैदा है साथियों, सवाल पैदा है कि नहीं? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि अगर वैक्सीनिंग ठीक है तो वो एलपीजी के माध्यम से हमारा जो बच्चे पढ़ने के स्कूल थे सारा निजीकरण कर दिया, जो हमारा बच्चा निजीकरण प्राइवेट पढ़ के सर्विस में जाता है वो संविधान कहता है सरकारी सेक्टर में मिलेगा आपको रिप्रेजेंटेशन, उस सरकारी सेक्टर को आज कौन सा सरकारी सेक्टर बचा? बिजली क्यों? वो एलपीजी के माध्यम से हमारा जो बच्चे पढ़ने के स्कूल थे सारा निजीकरण कर दिया, जो हमारा बच्चा निजीकरण प्राइवेट पढ़ के सर्विस में जाता है वो संविधान कहता है सरकारी सेक्टर में मिलेगा आपको रिप्रेजेंटेशन, उस सरकारी सेक्टर को आज कौन सा सरकारी सेक्टर बचा? बिजली क्यों? सर बाइक को क्यों निजीकरण किया जा रहा है?
सरकारी इंस्टीट्यूट को क्यों संघनीकरण किया जा रहा है साथियों? हम लोग का संविधान को आज संविधान रखते हैं, हम 90% संविधान हमारा निष्क्रिय हो गया, राइट है? संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत में शांतिपूर्ण आंदोलन करने का साथियों कर रहे हैं, देश में इस संदेश राष्ट्रपति को भेज रहे हैं। हम लोकतंत्र में विरोध कर रहे हैं, इसके बाद भी नहीं मानेगा तो साथियों बड़ा जन आंदोलन हमारा संगठन का जाल 6,00,000-6,50,000 गांव में जिस दिन पहुंचेगा एक साथ कॉल करेंगे। आज हमारी आबादी 126 करोड़ है, 126 करोड़ रोड में उतर जाएंगे साथियों, इस लोकतंत्र का तकिया पलट देंगे, लोकतंत्र का तकिया पलट देंगे तो हमारा बच्चा लोग लोकतंत्र पे कब्जा हो जाएगा। बच्चा जब आपका कब्जा हो जाएगा तो संविधान लागू करेंगे कि नहीं, या आप लोग धोखा दोगे? बोलो लागू करेंगे। संविधान जब लागू हो जाएगा तो जो अपर कास्ट का जो अधिकार है वो भी बचेगा, हमारा भी बचेगा, एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी सबका बचेगा ना। तो संविधान के पक्ष में काम कर रहे हैं, संविधान को इंप्लीमेंट करने के लिए काम कर रहे हैं, और संविधान के विरोध में जो काम कर रहा है एलपी जो लागू किया, एलपीजी जो कानून है उसे सरकारी सेक्टर खत्म हो रहा है, और संविधान कहता है ऐसा कोई कानून नहीं बनाना चाहिए जिस कानून से देश के नागरिक का मौलिक अधिकार खत्म होता हो। सरकार बनाई संविधान के विरोध में, और संविधान के विरोध में जो काम करता है उसको क्या बोला जाता है? तो देश का शासक वर्ग साथियों कैसा बिहेव कर रहा है, लोकसभा में मिसप्रिंट कर रहा है, गलत इंटरप्रिंट कर रहा है, क्यों कर रहा है साथियों? डीएनए 21 मई 2001 को जो डीएनए रिपोर्ट प्रकाशित हुई रिपोर्ट देखो क्लियर हो जाएगा, समझ गए? उसके बाद साथियों अभी आदिवासियों का जल से नल जमीन का अधिकार 76 साल जी कांग्रेस बीजेपी को हमारे पूर्व अधिकार संविधान में लिखा हुआ है और आज तक लागू नहीं किए, और जो संविधान में बातें लिखी हुई है उसको लागू नहीं किया, इसका मतलब गद्दार किया, और जो संविधान को नहीं मानने वाले को साथियों देशद्रोही कहा जाता है। मैं गलत बोल रहा हूँ? संविधान को जो नहीं मानता उसको देशद्रोही कहा जाता है। ये साथियों इस देश का डीएनए के अनुसार इस देश का मूल निवासी नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। 21 मई 2001 को जो डीएनए रिपोर्ट प्रकाशित हुई भारत में उसके अनुसार साथियों इस देश का मूल निवासी नहीं है, इसलिए संविधान को साथियों आपको चलाना पड़ेगा बनाना पड़ेगा, इसके लिए आपको लोकसभा में जाना पड़ेगा, इसके लिए ईमानदारी से एसटी से ओबीसी लोग भाई में आपस में इतिहास कायम करो, हमारी 90% हमारी एक नस्ल के लोग है, भाईचारगी और इतिहास पैदा करोगे, इस देश का शासक वर्ग बनोगे, शासक वर्ग बनोगे तो इंप्लीमेंट करोगे संविधान को, संविधान इंप्लीमेंट हो जाएगा तो आप लोग राजा हो जाओगे, याद रखना। इस संविधान के दायरे में इस संगठन संविधान को इंप्लीमेंट करने के लिए एसटी एससी ओबीसी माउंटी के आने वाला जेनरेशन और आपका मौलिक अधिकार बचाने के लिए लड़ता है। जो बंधु दुकानदार बंधु जो एसटी एससी ओबीसी माउंटी हमारे बात को सुन रहे हैं, सभी लोग का अधिकार को लड़ने के लिए साथियों अधिकार को बचाने के लिए लड़ते हैं। ये लोग धूप में जो आज आए हैं, छोटे छोटे बच्चे को लेके आए, महिला हमारे रोड में खड़े हैं, हम लोग का काम धंधा नहीं है। पता चली जब संविधान को ही खत्म कर देगा एक दिन तो साथियों हम लोग का संविधान जब नहीं था तो मनुस्मृति था, बीपीसी कानून था, जो मनुस्मृति अभी भी मेरे पास है, सबूत है, उसमें हमारे पुरखों को कोई अधिकार नहीं, हमारे पुरखों को लिखा हुआ है कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम नीच जाते हो तुम्हें अधिकार नहीं दे मिलनी चाहिए, लिखी हुई सबूत है मेरे पास डॉक्यूमेंट से। तो साथियों इसलिए आज हम लोग इस शोक में सरकार के खिलाफ जो षड्यंत्र कर रहा है, कानून के खिलाफ जो षड्यंत्र कर रहा है साथियों, इसके खिलाफ में हम लोग आज मौलिक अधिकार आर्टिकल के तहत में शांति रूप से बिगर हथियार का प्रोटेस्ट आंदोलन प्रबोधन संबोधन करने का अधिकार है, जिसके तहत हम लोगों ने रुकी, लेकिन एक खूबी है, अगर 10 गो आओगे ना तो पुलिस डंडा के मारेगा ना, मारबे करेगा ना, मारिएगा कि नहीं सर? इसलिए कभी भी आना होगा तो हजारों संख्या में 5,000-10,000 लोग आओ, हमारे पुलिस प्रशासन भी साथ देगा, जानता है ना कम को जल्दी मारा जा सकता है, कम आदमी को मारा जा सकता है कि नहीं, लेकिन जो 1,000-5,000-10,000-20,000 आए कोई अर्थ मिलता है तो आप लोग